दोषी देते हैं कि सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है। सरकार सबके घर घर तो नहीं जा सकती है ना, तो एक्चुअली प्रेशर आ जाता है उस बंदे में, सोचते समझ में नहीं आता करना क्या है। कभी कभी इस चक्कर में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसा वो दो साल में काफी टूट गई है क्योंकि बहुत ही चीजें रुक गई थी, क्योंकि कई कंपनियों का कारोबार होता है कि वो बाहर कुछ बेचते हैं, केमिकल्स बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, तो सब कारोबार ही रुक गया था। जिसके 500 एम्प्लॉइज होंगे वो कैसे काम हो, मैंने मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, कॉर्पोरेट सब डाउन है, तो कैसे उनकी सैलरी देगा। आज दिल्ली में और दिल्ली ही नहीं बल्कि समूचे भारत में एक जो मुद्दा है वो बेहद ही ज्यादा गर्माया हुआ है, मुद्दा है सुसाइड का। अभी हाल ही में एक दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी। उसका ये वाक्य जो था इतना भयानक था कि वहाँ पे खड़े हुए सभी ही लोग कांप उठे, उनकी जो अंतरात्मा थी वो झंझोर दी। और वो जो शख्स थे वो नेहरू पैलेस की ही एक जो दुकान है उस पर काम करते थे। तो हम सीधे आज पहुँच गए हैं नेहरू पैलेस पर, जहाँ पर हम पता करेंगे लोगों से कि ये जो आर्थिक मंदी चल रही है या जो ये जो लोगों पर एक जो दबाव डाला जा रहा है जिसमें उनकी नौकरी छूट रही है और बेहद ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे वो मजबूर हो रहे हैं, तो क्या है उन पर इसकी राय। या आपने देखा कि नेहरू पैलेस में यहाँ पर एक काम करने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली इन मेट्रो के आगे कूद के। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें लोग अपना सपना देखते थे, उसमें एक सपना संजोए रखते थे कि उसमें काम मिलेगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होएगा, आज वही कंपनियां जो है छटनी करने लगी हैं। तो ये कैसा एक कदम है और कहां जा रहा है हमारे देश की गति। सर ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज निकाले थे, और फिर अब जब लॉकडाउन हटने के बाद फिर से सब कुछ स्टार्ट हुआ है तो कंपनीज उस हिसाब से अपना प्लेअप नहीं कर पा रही है, नहीं अपने मतलब कि एम्प्लॉयज को नहीं रख पा रही है, तो इसलिए छटाई हो रही है। और उसी को देखते हुए हमारे देश काफी पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग कंपनियां तो अभी से नहीं खुली हैं, कंपनियां तो बहुत सालों से थी, तो क्या दो साल में वो इतनी टूट गई कि वो 20 साल में नहीं खड़ी हुई थी इतनी वो। यस सर, वो दो साल में काफी टूट गई है क्योंकि बहुत ही चीजें रुक गई थी, क्योंकि कई कंपनियों का कारोबार होता है कि वो बाहर कुछ बेचते हैं, केमिकल्स बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, तो सब कारोबार ही रुक गया था। जिसके 500 एम्प्लॉयज होंगे वो कैसे अपना कोऑपरेट करेगा, वो कैसे उनकी सैलरी देगा। तो वजह यही है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, ये कहाँ तक सही है। सर ये तो गलत है, बट जब इंसान पे कोई चारा ही नहीं बचेगा तो उसको वो करेगा ही, सिंपल सी बात है। जब कोई चारा ही नहीं है, वो अपने घर वालों को खिला ही नहीं पा रहा, उसकी माँ बहन बेटी भूखी बैठी है, तो वो नहीं देख थोड़ी पाएगा, वो मरने का ट्राई करेगा, वो आखिरी चॉइस उसकी हो। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इनका जो शख्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी स्थितियाँ जब उत्पन्न होती है, जब उनके पास खाना ही नहीं होगा, उनके बच्चे भूखे बैठे होंगे, उनके घर में जो लोग हैं वो भूखे बैठे होंगे, तो उसका निवाला कैसे हलक से नीचे उतरेगा और उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है जो होता है सुसाइड। काम हो, मैंने मार्केट बहुत स्लो चल रहा है जी, इसीलिए कॉर्पोरेट सब डाउन है पूरा। सर मेरा एक सवाल यही खड़ा होता है बार बार कि जो कंपनियां सालों साल से यहाँ पे टिकी और लोग उनमें अपना एक सपना समझोते थे जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, टाटा अडानी जैसी कंपनियां आती हैं, तो ये तो लाखों हजारों करोड़ में इनका पहले से ही बिजनेस है, क्या वो एक साल तक भी अपने एम्प्लॉयज को हैंडल नहीं कर पा रहे। नहीं, इसके पीछे क्या रीजन है मैं क्या बता सकता हूँ यार। तो जैसा कि आपने देखा ये लोगों का साफ तौर पर कहना हो जाता है कि कंपनियां जो थी उनका ऊपर दो दो रुपए भी भारी पड़े हैं, तो भले ही 6 महीने उनका कैसे गुजारा हो सकता है। जी सर, मान सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग प्रदेश में रहते हैं सर, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास प्रेशर होता है कि अगर हम एक दिन काम पे नहीं जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि किराए के लिए खर्चा बढ़ जाता है घर पे, अगर हम किराया नहीं दे पाते हैं फिर खाने पीने का, और हमारा किराया भाड़ा, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा दिक्कत देती है। फिर प्रेशर आता है बंदे के ऊपर, काम नहीं मिलता है तो प्रेशर आ, फिर गांव से भी लोग पैसे मांगते हैं, भाई हमारा प्रेशर पैसे दे दो, तो एक्चुअली प्रेशर आ जाता है उस बंदे में, सोचते समझ में नहीं आता करना क्या है। कभी कभी इस चक्कर में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सुसाइड करना कहाँ इसका एक ऑप्शन निकलता है, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि आज स्टार्टअप्स की अगर हम दशा देखें तो हमारा देश जो है वो चौथे नंबर पर आ चुका है, चौथे पायदान पर आ चुका है, तो जॉब तो आज नहीं है तो कल मिल जाएगी। जी सर, ये मानना मेरा आपका सही है, लेकिन मतलब
कुछ परसेंट लोग हैं जो इस लेवल तक सोच नहीं पाते कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि या तो खुद ही एक टैलेंट बना लें कि हम सेल्स कर सकते हैं, या फिर कुछ अपना स्टॉल लगा लें, 5-10 हज़ार लगा एक चाय का स्टॉल लगा लें, सब्जी बेच लें, या कुछ बलून का भी दुकान लगा सकते हैं। जैसे मान लें बलून कितना महंगा है, 5-1 बलून आता है, उसको हम फुला के मतलब वो बलून में हवा भर के हम 15 का भी बेच सकते हैं। तो करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोग उस लेवल तक सोचते नहीं है और अपने फिर दोषी देते हैं कि सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है। सरकार सबके घर घर तो नहीं जा सकती है ना, आप भी अकेले हो ना, मोदी जी भी तो अकेले ही हैं, तो उनकी गलती कहाँ है सर? इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा जो देश है और इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और देश का एक प्रधानमंत्री है, उसको हर किसी पे निगाह रखनी है, और देश की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सुसाइड है वो कोई हल नहीं निकलता है। वो चाहे तो कुछ और भी काम कर सकता है, वो किसी और तरीके से भी जीवन यापन कर सकता है। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।